हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारों, की हाल चाल। जो ऐप है 3 फिट, जो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो डाली थी शायद, या लास्ट वाली में, तो मैंने बोल दिया था आईफोन आपको 2000 कॉइन्स में मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। नहीं भाई, वो 2 लाख में मिलता है, मेरी गलती थी। 3 फिट में ऐसा सीन है, जब आप चलते हो जो आपके स्टेप्स हैं वो कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आईफोन वाला तो एक अलग सीन है, लेकिन जैसे आज अपने को उबर करनी है और हमारा पेट्रोल लगता है, तो इसमें मैं $50 का अपना कूपन भी खरीद सकता हूँ जिससे मैं पेट्रोल डलवा सकता हूँ। तो अभी हम लोग इधर डिजिटल में जाएंगे। ये एम्पोल का 10 का है, लेकिन अपने को चाहिए 50 का। ये है 50 का। इधर ये देखो, इसकी कंडीशंस कुछ हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, मतलब पहले भी आ सकता है, देर में भी आ सकता है। और क्लेम करने का भी तरीका इसमें है कि आपको अपनी एग्जैक्ट जो असली ईमेल है वो डालनी पड़ेगी, ताकि आपका मतलब किसी और को ना चला जाए। ठीक है, इधर परचेज करते हैं। तो इस पे हमको आ गया है कि योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, तो यानी कि हमें आज के शाम तक या कल तक आ जाएगा। क्यों पेट्रोल पे पैसा लगाना जब पैदल चल रहे हैं? और ऐसे ही आप भी ना, मतलब इसमें बहुत सारे वाउचर्स हैं, वूलवर्थ का है, Uber Eats के हैं, Amazon के हैं, इंडिया वाले इंडिया के हिसाब से हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से हैं। आप जो भी यूज करना चाहते हैं, मतलब जो भी आप खरीदना चाहते हो, तो आपको बस ऐसे कॉइन्स आपने यूज करने, आपने ले लेना सामान। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं Uber। तो आज है फ्राइडे, तो शाम को थोड़ा बिजी होने के चांसेस हैं, दिन में बिजी से दिखा रहा है। हाँ जी, तो हमें पहली ट्रिप आ गई है। ऐसे करके आती है ट्रिप, जैसे जो हमें पहली ट्रिप आई वो हर्षविंदर सिंह भैया की है, पंजाबी ब्रो है कोई। इसमें ना वे बिल में जाके आप ऐसे देख सकते हो कि कितना पैसा आपको मिल रहा है। तो इसके $8 है वे बिल, कॉल आ गई जिप्पा जीएसटी। तो ऐसे आप देख सकते हो कि कितने पैसे मिलते हैं उसमें वे बिल में जाके। तो जैसे $8 है, 27-33% ऊबर काटता है हमारे पैसे, मतलब कि हमें $5 के समथिंग मिलेंगे। हाँ जी भैया, तो अभी जो पहली डिलीवरी उठाई है, कम से कम मेरे को 10 मिनट हो गए ट्रैफिक में फंसे हुए। अभी ना तू चढ़ा ले ऊपर पे, था टका नहीं था। तो बिजी मतलब जो 2 से 4 का टाइम होता है ना, स्कूल जोन होते हैं, मंडे टू फ्राइडे होती है इधर क्लासे। हम लोग सैटरडे को भी जाते थे स्कूल, इधर 2 दिन छुट्टी मिलती बच्चों को। तो बहुत भीड़ है, देखो पीछे तक लाइन लगी। तो अभी तक हमारे 1 घंटा 13 मिनट में बने हैं 30, कितने रुक जाओ मोड़ लेने दो गाड़ी पहले, 1 घंटे में हमारे बने $33। तो रुक के आ रहा है, पर वो आ जाता है काम ब्रो। $30 25 से ऊपर तो बन ही जाते हैं आराम से, मतलब इजी मनी कह सकते हो। तो अगर आप भी Uber X या कुछ भी चलाना चाहते हो ना, Uber X या Uber Eats ऑस्ट्रेलिया में, Uber X आप पूरी दुनिया में चला सकते हो, जो मेरा रेफरल है। अगर आप उसको यूज करके साइनअप करोगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आपको मिलेंगे $750 एक्स्ट्रा, जो कि 40-45 हज़ार रुपए होते हैं इंडिया वाले। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो मेरे को करेंसी नहीं पता, शायद डबल हो जाएं कितने भी, वो आप चेक कर सकते हैं। या नेपाल में जहाँ भी चलता है डाउनलोड करके चलाएं, किसी भी सिटी में किसी भी कंट्री में, अगर आपके यहाँ अवेलेबल है Uber X। तो जो मैं एम्पोल की बात कर रहा था वो इधर राइट साइड में है, मेरे को उधर अभी नहीं जाना है, मेरे को ये पहले ट्रिप उठानी है, इसके बाद हम लोग देखेंगे। ये है बैक साइड में इधर से। तो जितने अपने पास कॉइन्स हैं, तो मैं पेट्रोल आराम से भरवा सकता हूँ, कम से कम भी 4000 कॉइन्स का एक मिलता है 50, तो मेरे 20,000 हैं, तो यानी मैं $200 का पेट्रोल डलवा सकता हूँ आराम से। $200 का अगर मैं पेट्रोल डलवाऊंगा, तो मैं उसमें $600 के समथिंग ऊबर पे पैसा कमा सकता हूँ, उतना $600 का फायदा पैदल चलने का। आप भी करें डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जब आप पैदल चलते हो तो ऐसे कॉइन्स नहीं मिलेंगे आपको, ऐप एक बार ओपन करना होगा, तो वो उसमें ऐड होते हैं, स्वाइप डाउन करना होता है, रिफ्रेश करना होता है ऐप को। तो एक बार ऐप दिन में जरूर खोलें, बाद में ऐसा ना कहना कि कॉइंस नहीं है या स्टेप्स जो चले वो मिले नहीं है मैं कुछ भी। हमने पेट्रोल डलवा लिया, तो जैसे मेरा $50 का था, तो अगर मेरे ना एक्स्ट्रा होते जैसे, तो मैंने तो प्री सेट कर दिया था अपना, मतलब फीड कर सकते हो उसके जो सेटअप होता है ना पेट्रोल वाला, कि कितने का मेरे को डलवाना है। वो जो वाउचर्स होते हैं ना, वो रिडीम होते हैं प्रीज ऐप करके, एक उसमें जाके हो जाता, आपने बस वो स्कैन करवाना है अंदर, वो फिर ईजी सा तरीका है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यार, मेरे को भूख बहुत लगी है, तो ग्रीज जाएंगे, $5 की मील खाएंगे। हमारा डिनर लंच कुछ भी कह लो, मतलब बीच वाला वो हो गया, तो फिर से ऊबर स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है। सीन ऐसा है कि अभी रात का टाइम हो गया है,
और ऊबर का काम बहुत है ठंडा है। आज है फ्राइडे फिर भी ठंडा है। अभी अखिल के बिल्डिंग के नीचे, अखिल की बिल्डिंग नहीं बोला, अखिल इधर रहता है, तो अभी हम लोग जा रहे इधर ना, एक ग्रेट इंडियन फूड ट्रक करके है जगह का नाम, तो वहाँ पे कुलचे वगैरह मिलते हैं, रात के टाइम भी खा लेंगे। हमारा क्या इतना बढ़ा लिया, थोड़ा और सही।